घनघोर हुआ मौसम, बादलों में छिपा सूरज। श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे रखा है। कई दिनों से मौसम ने घेर रखा है। बीते दो दिनों से तो लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही है, पर आज तो एकदम से काले बादलों ने घेर लिया और सुबह को शाम जैसा बना दिया, मानो सूर्यास्त हो चुका हो, रात आने वाली है। सोमवार को बादलों में बिजली की कौंध बार बार उठने के साथ बारिश जारी है। अब बात कर लेते हैं किसानों की, तो जैसे उनको मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। खेतों में लगी फसलों के लिए तो बारिश का पानी विटामिन की तरह काम करेगा। लहलाती फसलों को देखकर किसान काफ़ी खुश हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश हुई तो आगे की स्थिति के बारे में आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीन दिनों से मौसम इतना बंद सा हुआ है, या यूँ कह लें कि अंधियाला ने घेर रखा है। मानो दिन ढलने के बाद अभी रात्रि होने वाली है। बारिश तो सामान्य ही है, कोई मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में घरों की बिजली भी अटखेलियाँ कर रही है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वज्रपात यानी आकाशीय बिजली से बचने के लिए पेड़ों के नीचे, मोबाइल टावर व ऊंचे मकान के नीचे शरण न लें, बच्चों को बाहर न खेलने दें, लोहे की खिड़की, दरवाजे व हैंडपाइप आदि को न छुएं, धातु से बने छाते का प्रयोग न करें, लैंडलाइन एवं बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें, खुले वाहनों में सवारी न करें, बचाव के लिए जमीन पर न लेटें। उन्होंने यह भी बताया कि यदि मौसम खराब हो तो तुरंत किसी पक्के घर में शरण लें। उन्होंने कहा कि सावधानी से बचा जा सकता है।